दोस्तों उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ ही दिनों में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर के वहां की जो लोकल पार्टी है बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी, उसको लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ था, लेकिन चुनाव के बाद ये अलायंस टूट गया था। तब से वहां की राजनीति जो है लगातार हम ये कह सकते हैं एक तरफ से तेज होती जा रही है। दोस्तों आपको पता होगा आने वाले कुछ ही दिनों में विधानसभा के उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी से एक बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बड़ी खबर यह है कि बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से मायावती को चुन लिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है, इलेक्शन आने से पहले ये बसपा पार्टी के लिए एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि मायावती ही ऐसी नेता है जो कि बसपा को संभाल सकते हैं, ये बात सूत्रों के हवाले से कही जा रही थी। वहीं आपको बता देना चाहते हैं इसको लेकर के 28 अगस्त को जोनल एवं मंडल प्रभारियों की बैठक हुई थी, जिसको लेकर के ये फैसला हुआ है। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूं विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के बारे में भी समीक्षा की गई है, और आपको बता देते हैं कौन कौन सीटों पर चुनाव होने हैं, वहां के समीकरण क्या कहते हैं, इसकी मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चाहते हैं हमारे देश में ईवीएम को बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं बसपा सुप्रीमो ने उपचुनाव वाले क्षेत्रों में सबसे पहले विधानसभा सेक्टर गठन के साथ ही भाईचारा कमेटी का भी निर्देश दिया है। वहीं बैठक में विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों के नामों पर भी मोहर लग गई है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो उपचुनाव 13 सीटों पे होने वाला है उत्तर प्रदेश में, उसमें कौन कौन से कैंडिडेट बसपा की तरफ से और कहां से उतारे गए हैं, तो लिस्ट जान लीजिए आप। देखिए हमीरपुर से नौशाद अली हैं और जैतपुर बाराबंकी से अखिलेश अम्बेडकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मणिकपुर से चित्रकूट यानी कि राजनारायण निराला, वहीं प्रतापगढ़ से रणजीत सिंह पटेल हैं, घोसी से कय्यूम अंसारी हैं, बलहा बहराई से रमेश गौतम है, वहीं टुंडला से सुनील चित्तौर है, रामपुर सदर से जुबैर अहमद हैं, और एगलस से अभय कुमार है, लखनऊ कैंट से अरुण त्रिवेदी हैं, गोविंद नगर कानपुर से देवी प्रसाद तिवारी और जलाल और गंगोही बाद में अभी घोषित की जाएगी ये सीट की बसपा की तरफ से कौन कैंडिडेट यहां पे उतारा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो अभी विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के बीएसपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। जैसे जैसे कोई ताजा अपडेट आएगी हम आपको जरूर देते रहेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आए प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।